नमस्कार, डीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा। कई बार हम ऐसी खबरें सुनते हैं जिन पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है, और ऐसी खबरें सोशल मीडिया पर बेहद वायरल भी होती हैं। आज हम आपको एक ऐसी ही खबर बताने जा रहे हैं जिनको सुनकर आप हैरान हो जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या सचमुच ऐसा हुआ है। जी हाँ, आज जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं उसमें एक 28 वर्षीय शख्स प्रेग्नेंट हुआ है। जी हाँ, उन्होंने एक बच्ची को जन्म दिया है। जब ये खबर सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो चर्चा का विषय बन गई। लोग जानने के लिए उत्सुक हो गए कि आखिर ये कैसे हुआ। आपको हम बताते हैं कि ये कैसे हुआ। दरअसल अमेरिका के एक 28 वर्षीय व्यक्ति, जो पहले एक महिला थी, वो पुरुष बनना चाहती थी, और इसी के लिए उन्होंने दवाइयों का सेवन करना शुरू कर दिया था। लेकिन इसी बीच उन्हें पता चला कि वो प्रेग्नेंट है, जिसके बाद से उन्होंने उस दवाइयों को रोक दिया और फिर अपनी बच्ची के पालन पोषण में वो लग गई। अपने हेल्थ पर उन्होंने ध्यान देना शुरू कर दिया और जिसके बाद उन्होंने एक स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया। हालांकि अब आपको ये बता देते हैं कि जो महिला शख्स बनना चाहती थी वो अब पूरी तरीके से शख्स बन चुकी हैं, लेकिन इससे पहले वो एक महिला थी, और जब उन्हें पता चला कि वो माँ बनने वाली हैं तो उन्होंने जो दवाइयाँ ले रखी थी वो उन्होंने बंद कर दी और इसके बाद वो माँ बन पाई। अब देखिए, जब से ये बातें सामने आई हैं उसके बाद से लगातार चर्चा का विषय बनने लगी हैं। हालांकि अगर पूरी बात अगर हम आपको बताएं तो डेली स्टार की खबर के अनुसार अमेरिका के वेस्ट वर्जीनिया के 28 वर्षीय एश पैट्रिक स्कैट बचपन से ही महिला थे, मगर वो पुरुष बनना चाहते थे। इसके लिए वो 2022 से पहला टेस्टोस्टेरोन और ओस्ट्रोजन ब्लॉकर का सेवन करती थी ताकि उनका स्वरूप बदल सके और वो महिला से पुरुष हो सके। लेकिन एक दिन जब उन्हें ये पता चला कि वो माँ बनने वाली हैं, वो प्रेग्नेंट हैं, तो उन्होंने दवाइयों का सेवन करना बंद कर दिया। 28 साल के एस पैट्रिक एक PhD स्टूडेंट हैं और मेंटल हेल्थ वर्कर भी हैं, जो लोगों के लिए काम करते हैं, लोगों की मेंटल हेल्थ को लेकर काम करते हैं। जब उनका ये खबर सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो लोगों ने उनके इंस्टाग्राम आईडी को खोला, उनके फेसबुक अकाउंट को खंगाला, और उनके इंस्टाग्राम आईडी पर बेहद सारे पोस्ट भी मिले हैं उनकी बेटी के साथ। आपको बता दें कि इस खबर के बाद अब लोग अचंभित हो रहे थे कि आखिर पूरा मामला क्या है। लेकिन हमने आपको बताया कि किस तरीके से 28 साल के एस पैट्रिक जो हैं वो प्रेग्नेंट हुए हैं, और पहले वो महिला थी लेकिन अब वो पुरुष हैं। अपने उस साल उन्होंने अपनी बेटी को जन्म दिया और एस ने अपनी बेटी का नाम रोनन रखा है। जब एस को पता चला कि वो प्रेग्नेंट हैं तब वो उन्होंने अपनी दवाइयाँ रोक दी ताकि बच्ची जो है वो स्वस्थ रहे, और बच्ची अब स्वस्थ है, अपने पिता के साथ अब अच्छी तरीके से ज़िंदगी बिता रही है। और अक्सर ऐसे खबरें होती हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं, जिसे सुनकर हम अचंभित हो जाते हैं, और ये भी उनमें से एक खबर थी जो हमने आपको बताई। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।